हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज हम आपको बाजू का डिज़ाइन बना के दिखाने जा रहे हैं। जो कि दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं मशीन पर और डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है तो सबसे पहले डिज़ाइन के लिए हमें क्या करना है, पट्टी पलट लेनी है। ये देखिए इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और दोस्तों आधा इंच चौड़ी पट्टी हमें पलटना है। अब इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कटिंग कर देना है और इसे पलट लेना है। तो दोस्तों आप किसी भी नोकीली चीज़ या कील से पलट सकते हैं आराम से। ये देखिए हमें पट्टी को इस तरह से पलट लेना है और पलटने के बाद में दोस्तों इसमें हमें प्रेस लगा लेना अच्छी तरह से। ये हमने पट्टी को देखिए इस तरह से प्रेस से बिठा दिया है। अब दोस्तों जो हमने डोरी बनाई है तो उन्हें हमें 2 इंच की लंबी डोरी कटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने डोरी बना रखा है। तो दोस्तों अगर ये आपको डोरी बनाने का तरीका सीखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से आसान तरीके से डोरी बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों हमने 3 तरीके से डोरी बनाने का तरीका बताया हुआ है। सुई के धागे में हमें यहाँ पर इस तरह से गांठ लगा देना है और ये दोस्तों इस तरह से हमें, ये देखिए इस तरह से हमें इसे इस तरह से आप यहाँ से इस तरह से इसकी गुलाई कर लें और गुलाई करने के बाद में दोस्तों दोनों को हमें एक साथ अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से इसे हमें छल्ला सा बना लेना गोल। अभी दोस्तों इस तरह से करने के बाद में ये जो हमने पट्टी पलट रखी है तो हमें करना क्या है, इसकी लंबाई कम से कम हमें 2.5 इंच की इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद में दोस्तों ये जो जोड़ है तो जोड़ के पास में हमें एक बार पट्टी को इस तरह से रखना है और दोस्तों यहाँ पे हमें हल्का सा सिलाई से अटैच कर देना है ताकि ये पट्टी हमारी इधर उधर ना होने पाए और ये दोस्तों धागा हमारा नज़र नहीं आना चाहिए। इस हिसाब से आप इसे टाँके, ये देखिए हल्के से टाँके हमें उठाने हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमें नीचे की तरफ टाँका लगा देना है और इस धागे को हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। ये दोस्तों हमें बाहर की तरफ धागा नहीं दिखाना, ये जो हमारा धागा नज़र आ रहा है आप ध्यान रखें इस साइड हमें ये ऊपर की तरफ रखना है। अब ये दूसरे तरफ की पट्टी है तो हमें इस तरह से ये देखिए अटैच कर लेना है। तो ये हमारा कुछ छल्ला इस तरह से बन जाएगा। अब आप सारे छल्ले जितने आपको ज़रूरत हो तो आप इसी तरह से बना लें। अब ये हमें इस तरह से अटैच करने के बाद में यहाँ पे हमें सिलाई से इन पट्टियों का मुंह बंद कर देना इस तरह से दोनों तरफ की। छल्ले तैयार हुए हैं। अब इसी तरह से हमें जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें जितनी पट्टी चाहिए और उस हिसाब से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, बाजू लेना है। ये देखिए हमने बाजू ले लिया है और हमें पेपर भी ले लेना है। तो हमने पेपर ले लिया है। अब दोस्तों हमें बाजू के हिसाब से पेपर को कटिंग कर लेना है। ये पेपर हमारा ना छोटा हो ना बड़ा हो, तो देखिए इस तरह से हम रखेंगे और इसमें हमें निशान लगा लेना इस तरह से। और निशान लगाने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा पेपर है तो इस तरह से हमें कटिंग कर देना है। अब कटिंग करने के बाद में दोस्तों स्केल की मदद से हम इसे सीधा निशान लगा लेंगे पहले। ये देखिए हमारा 20 सेंटर है तो हमें पहले 20 सेंटर पे निशान एक लगा लेना है इस तरह से। अब इसके बाद में दोस्तों आप अपने हिसाब से इसकी बीच की गैपिंग रख सकते हैं। तो गैपिंग हम 2 इंच की रख देंगे बीच में, 1 इंच हमें इस साइड ले लेना है और 1 इंच इस साइड। टोटल हमारी बीच की गैपिंग हो जाएगी 2 इंच। अब ये हमें स्केल की मदद से सीधा निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से हमने सीधा निशान लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इन पट्टियों को पहले हम इसमें अटैच कर लेंगे। दोस्तों हमें नीचे कम से कम 1 इंची
ऊपर की तरफ हट के लगाना है। और ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा छल्ला है बीच का, तो बीच सेंटर वाले निशान पे आना चाहिए, आधा इस साइड में हो आधा उस साइड में। आप इसकी दूरी का भी निशान लगा सकते हैं, तो इस तरह से निशान लगा लेते हैं हम पहले, क्योंकि कम ज़्यादा ना हो। ये दोस्तों हम डेढ़ डेढ़ इंच की दूरी पे लगाएंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया है तो डेढ़ इंच हट के लगाएंगे इस तरह से। अब ये देखिए हमें इसके बीच सेंटर पे रख के निशान पे, ये जो हमने निशान लगाया था इसी के बिल्कुल बीच सेंटर से ही रख के पट्टियों को अटैच करना है। इस तरह से दोस्तों हम सारी पट्टियों को अटैच कर लेंगे। तो एक तरफ हमने अटैच कर लिया है, अब हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब इस तरह से हमने अटैच कर लिया, बाजू लेनी है और बाजू में हम, तो इसमें दोस्तों हम एक इंच की बीच की गैपिंग से कपड़े की कटिंग कर देना है। आधा आधा इंच हमारा दोनों तरफ दबाव चला जाएगा, तो टोटल हमारी बीच की गैपिंग हो जाएगी 2 इंच। ये देखिए हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करके बीच से निकाल दिया है, ये 1 इंच टोटल है पट्टी हमारी। दोनों तरफ की गैपिंग 2 इंच की हो जानी है हमारी, तो इस तरह से रखना है देखिए। और आधा इंच का दबाव देके हमें सिलाई लगा देना है। तो हमने एक तरफ अटैच कर लिया है, अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है। और दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो निशान हमने लगाया है तो बिल्कुल उसी के बराबर से दबाव देना है। तो दोनों तरफ हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक पैर पे हट के सिलाई लगा देना है। ये देखिए 1 इंची चौड़ी पट्टी हम लेंगे और हम नीचे की तरफ से रखेंगे इसे इस तरह से। अब ये देखिए हमें क्या करना है, इस पट्टी को इस तरह से नाखून से प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद में इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करके इस पे दोस्तों सिलाई लगा देना है। एक सिलाई हम नीचे की तरफ भी लगा देंगे। तो दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें मोती लगा देना है कुछ। तो दोस्तों इस तरह से हमें हर एक कट पे ये मोती लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बाजू को डिज़ाइन को तैयार कर दिया है। अब हमें नीचे का पेपर इसका फाड़ के निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये मोती भी लगा दिए हैं और दोस्तों नीचे का हमने पेपर फाड़ के निकाल दिया है। अब दोस्तों ये बाजू का डिज़ाइन हमारा हो गया कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।